Hello everyone, welcome you all in Gil's Mentor e-learning channel. So let's start with our today's first question of Lucent GK MCQ series, which is, so first question is, Prabhasgiri is a pilgrim spot of, so Prabhasgiri ek temple hai, pilgrim spot hai UP de vich ye Prabhasgiri temple दे नाम तो एक टैंपल है यूपी दे विच। तो इतने क्वेश्चन है अपना कि केड़े रिलीजन दे नाल एसोसीएटेड है, बुद्धिस्ट जैनिस केड़े रिलीजन दे नाल एसोसीएटेड है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जो प्रभासगिरी टैंपल है इहदा दूसरा नाम है श्री दिगंबर टैंपल, यूपी दे विच लोकेटेड है और एक जैन टैंपल है। ये टैंपल जो है डेडिकेटेड है जो सिक्स तीर्थंकार सीगे जैन दे विच, जैनिज्म दे विच 24 तीर्थंकार है। तो उन्होंने जो सिक्स तीर्थंकार से पदम प्रभु करके वो इस प्लेस के जो प्रभासगिरी है इतने ज़्यादातर उन्होंने अपने लाइफ का जो ज़्यादा स्पेंड की थी इस एरिया दे जिथे प्रभासगिरी टेंपल कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये पिलग्रिम जो प्रभासगिरी है एक पिलग्रिम स्पॉट है जैनिज्म का, जैन का, जो कि ये अपना बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकेशन एग्जैक्ट है तो यूपी दे विच है और इसे टैंपल का दूसरा नाम है श्री दिगंबर टैंपल करके और एक जैन टैंपल है और डेडिकेटेड है सिक्स तीर्थकार जिन्हों का नाम है पदम प्रभु। तो बी ऑप्शन अपने फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सैड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ द जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। तो महावीर जो कि 24th तीर्थंकार से उन्हां दी डेथ तो बाद जैन जो संघ सीगा उन्हां दा चीफ कौन बने सीगे, क्योंकि जो महावीर सी लास्ट तीर्थंकार सीगे उन्हां तो बाद कोई भी तीर्थंकार जो है वो नहीं आए सीगे। लेकिन जो जैनिज्म है इहदे विच दो इंपोर्टेंट पोस्ट एग्जिस्ट करदियां सी, एक तां तीर्थंकार दे जो मेन लीडर हुंदे सी, चीफ हुंदे सी, दैन उहदे आउंदे सी गंधार। तो जो गंधार हुंदे सी उह तीर्थंकार दे ही डिसाइपल हुंदे सीगे। तो महावीर जैन की डैथ तो बाद 11 टोटल गंधार से, पर उन्होंने एक ही बचे थे 10 जो गंधार से, उन्होंने डैथ हो गई थी जिन्हों का नाम सेगा शुद्ध धर्म। तो महावीर की डैथ तो बाद शुद्ध धर्म ही नैक्सट चीफ बने से जैन संघ के। डी ऑप्शन है ये अपना करेक्ट है। 11 टोटल गंधार से, 24 तीर्थंकार से, महावीर लास्ट तीर्थंकार से और 11 के लास्ट जो शुद्ध धर्म ही गंधार बचे से। दैन महावीर की डेथ तो बाद यही जैन जो संघ से वो चीफ बने से। डी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन इज, जीविका द रॉयल फिजिशियन ऑफ राजगृह वॉज द सन ऑफ गणिका नेम्ड एज। तो जीविका ये रॉयल फिजिशियन सीगे, मतलब डॉक्टर टाइप किसी कह सकते हो पुराने टाइम के विच, जीविका वो सीगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हों का नाम हिस्ट्री दे विच जीविका, क्योंकि इन्होंने नाल एसोसीएटेड एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंबिसारा दे रॉयल फिजिशियन सीगे, ये डॉक्टर सीगे। इन्होंने अवंती दे किंग प्रद्योत नूं जॉइंडिस होया सी, तो उहदे लई बिंबिसारा ने इन्हों जीविका नूं भेजा सीगा, प्रद्योत जो अवंती दे किंग सीगे उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए, जॉइंडिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जीविका केड़े किंग दे या केड़ी डायनेस्टी दे किंग दे रॉयल फिजिशियन सीगे, तो बिंबिसारा दे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिंबिसारा ने किहड़े रॉयल फिजिशियन नूं अवंती किंग प्रद्योत कोल भेजा सीगा उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए, तो जीविका नूं भेजा सीगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, इन्हां तो एग्जाम दे विच क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन है कि जो जीविका सीगे उन्हां दी मदर का नेम की सीगा, किन्हां दे बेटे सीगे इह। जो इत्थे वर्ड गणिका मैनशन है यह वैदिक कल्चर दे विच जो है गना वर्ड तो ही ड्राइव्ड होया। गना वर्ड कहिंदे एक कम्यूनिटी नूं, एक ग्रुप ऑफ पीपल नूं। तो इत्थे उही गणिका फीमेल दे लई यूज़ कीता होया कि ग्रुप दी मैंबर सी जो। तो जीविका दी मदर दा नाम पुछा गया इत्थे इन्हां इस क्वेश्चन दा। अपना क्वेश्चन है कि जो जीविका सीगे रॉयल फिजिशियन राजगिरा दे वो किन्हां दे बेटे सीगे, उन्हां दी मदर दा नाम की सीगे, अपना क्वेश्चन है। तो इन्हां चारों ऑप्शनस दे विचों जो अपना करैक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन करैक्ट है, सलावती जीविका दे मदर दा नाम सीगा। क्वेश्चन आ चुके है भी एग्जाम दे विच, और जो जीविका दा मैं बिंबिसारा वाला क्वेश्चन कह रही हूँ वो भी आ चुका है कि बिंबिसारा ने किहड़े रॉयल फिजिशियन नूं अवंती किंग प्रद्योत दे जॉइंडिस ट्रीटमेंट लई भेजा सीगा, तो जीविका नूं भेजा सी। और जीविका दा मदर दा नेम की सीगा सलावती, इन्हां दी मदर दा नेम सीगा और बिलोंग करदे सी राजगिरा नूं और बिंबिसारा दे रॉयल फिजिशियन सीगे। ए ऑप्शन अपने इस क्वेश्चन दा करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेन्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ।
किंग, तो किहड़े किंग दे ड्यूरिंग जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई सी, चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सी। फर्स्ट जो है अजातशत्रु ने कराई सी राजखीरा दे विच, सेकेंड काल अशोका ने कराई सी वैशाली दे विच, थर्ड अशोका ने कराई सी अशोक ने, किंग अशोक ने कराई सी पाटलिपुत्र दे विच, फोर्थ जो है वो कराई सी कनिष्क ने कश्मीर दे विच। तो ये अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल प्लेस भी याद रखना कश्मीर, और कनिष्क किंग सी इन्होंने कराई सी। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल केड़े किंग ने कराई सी, प्लेस केड़ा से इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने उस टाइम जो बुद्धिस्ट काउंसिल के चीफ कौन सी, मतलब हेड चेयरमैन कौन बने से उस बुद्धिस्ट काउंसिल के, ये चीज़ में भी याद कर लेना। बुक के विच पूरा टेबल फॉर्म के विच ऑलरेडी दिता हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल। एग्जाम के विच बहुत बार इस टॉपिक तो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो रिलीजन वाला टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन्हें दोनों टॉपिक्स तो ही एग्जाम के विच क्वेश्चंस आते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और दूसरा जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य डायनेस्टी है ये तो, और बाकी दे उस तो बाद अपन मुगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेटर ऑन करेंगे। इन्हें टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 134th क्वेश्चन था अपना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द त्रिपिटाका वॉज रिटन है, तो त्रिपिटाका बुद्धिस्ट लिटरेचर है, तीन पिटाका से विनय पिटाका सुत पिटाका अभिधम पिटाका, तो केड़ी लैंग्वेज दे विच रिटन है, तो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने संस्कृत लैंग्वेज दे विच भी लिटरेचर लिखे, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ किया सेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज से कि संस्कृत उस टाइम तो सारे लोगों को नहीं आती सी, संस्कृत बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों को ही आती सी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के लोगों जो लिटरेचर है वो ज़्यादातर कॉमन लैंग्वेज पाली और प्राकृतिक जो लैंग्वेज सी इन्हों के यूज़ किया गया सी। तो त्रिपिटाका भी जो है वो पाली लैंग्वेज, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये पाली लैंग्वेज के लिखा गया सीगा। तो इसलिए ये दोनों रिलीजन भी पॉपुलर हुए सी, क्योंकि इन्हों का लिटरेचर ही कॉमन लैंग्वेज के ज़्यादातर लोगों को समझ आ रहा है। तो सी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लास्ट तीर्थंकर, वेरी इजी क्वेश्चन, 24th लास्ट तीर्थंकर से, और उन्होंने नाम सेगा महावीर, बी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है, तो बहुत इजी क्वेश्चन सेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है कि द इम्फोसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस अहिंसा प्रिवेंट्स एग्रीकल्चर फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म, देता है कि नॉन वायलेंस की जो फिलोसफी सी जैनिज्म, जैनिज्म दे विच इहदी वजह दे नाल एग्रीकल्चर नूं प्रिवेंट किया गया कि एग्रीकल्चर दे विच भी जैनिज्म वाले लोग बिलीव नहीं करते सीगे। रीजन ये दिता गया है कि कल्टीवेशन इनवॉल्व किलिंग ऑफ इनसेक्ट एंड पेस्ट, कि जो एग्रीकल्चर होंगी वो कल्टीवेशन की ड्यूरिंग इनसेक्ट और जो भी मिट्टी के कीड़े मकौड़े होंगे उन्हों की डैथ होंगी है, और जैनिज्म नॉन वायलेंस के बिलीव कर रहा है, तो इसलिए एग्रीकल्चर भी नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट है और रीजन दिता है कि कल्टीवेशन की ड्यूरिंग इनसेक्ट्स की डैथ होंगी है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट भी अपनी कि जैनिज्म वाले लोग एग्रीकल्चर के विच भी नहीं फॉलो करते, मतलब एग्रीकल्चर में भी प्रिवेंट करते कि ये नाल जो है कल्टीवेशन के नाल मिट्टी के विच जो कीड़े होंगे उन्होंने डैथ हो जाती है। तो अपने दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन भी जो दिता गया एकदम ट्रू है। तो फर्स्ट जो अपन ऑप्शन देता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट दिता हुआ है। कल्टीवेशन के नाल कीड़े मकौड़े की डैथ होंगी सी, तो और जैनिज्म बिल्कुल ही नॉन वायलेंस के विच बिलीव करते सी, तो इसलिए इन्होंने एग्रीकल्चर नु भी ये नहीं करते सी। ए ऑप्शन दे विच अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सी कनिष्क ने जो कराई सी कश्मीर दे विच। तो इतने है कि उस टाइम के जो बुद्धिस्ट काउंसिल दे प्रेजिडेंट कौन बने से, चेयरमैन कौन से, इतने प्रिसाइडेड ओवर लिखा, अगर इतने चेयरमैन भी लिखा होंगे तो भी करेक्ट होंगे, सेम सेगा। तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल दे विच जो बुद्धिस्ट दे ही चीफ सी उ चेयरमैन और प्रेजिडेंट बने से। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल सी कनिष्क ने कश्मीर दे विच कराई सी, ये जो चेयरमैन सी, जो चेयरमैन मतलब बने से ये वासुमित्र, डी ऑप्शन दे विच अपना करेक्ट है। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल दे चेयरमैन और प्रेजिडेंट दोनों ही वर्ड करेक्ट है, चेयरमैन और प्रेजिडेंट के नाम याद रख लेना, प्लेस याद रखना कि कितने हुई सी, और किंग का नाम याद रखना किड़े किंग ने होस्ट की सी। तो ये तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हों क्वेश्चन आ जाता। तो वासुमित्र से जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन से प्रेजिडेंट से, डी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पावाराना
पवराना यूज टू बी हेल्ड, इट वॉज द, तो एक पवराना सेरेमनी रहती है जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज नाल एसोसिएटेड एंशियंट टाइम दे दे, इधर विच पूछा कि रिलीजन कई चीज़ दे नाल एसोसिएटेड है। तो ये जो फेस्टिवल है या सेरेमनी है ये ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो 3 महीने का रेनी सीजन होता उस ड्यूरिंग सेलिब्रेट की जाती है। अक्टूबर 24 यदि एग्जैक्ट डेट है, अक्टूबर 24 में ये सेरेमनी मनाई जाती है बुद्धिस्ट द्वारा। ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट आसाम वाले एरिया दे विच पॉपुलर है। एक्चुअली स्टोरी की ये पीछे कि बारिशों के मौसम के विच जो है जो मॉन्क्स होंगे सके, वैसे तो वो इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन जो रेनी सीजन आता से तो वो केव्स वगैरह के जाके शेल्टर ले लेंगे से 3 महीनों के लिए, जो तक बारिश का मौसम रहता सेगा। तो जो कट्ठे रहेंगे से तो बुद्धिस्ट मानते थे कि जो लोग ग्रुप्स में रहते कट्ठे रहेंगे तो उदो लड़ाई होंगी होंगी, तो लड़ाई ना हो तो इसलिए उन्होंने की है मौन व्रत ले लिया सेगा। सारे साइलेंट हो गए थे कि आप आपस से गल ही नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं होगी तो 3 महीने तो निकल जाएंगे। लेकिन जो लॉर्ड बुद्धा ने इस गल का पता लग गया तो उन्होंने इस चीज़ को सही नहीं समझा सेगा कि चुप रहना सोल्यूशन नहीं है, साइलेंट रहना सोल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने एज एन एक दिन इदा सैलीब्रेट किया पवराना करके, जो 3 महीने का रेनी सीजन एंड हो जाता। उस तो बाद एक है कि जो पोलाइटली तुसी रीप्रमांड कर सकते हो, मतलब साइलेंट भी नहीं होना कंप्लीटली और पोलाइटली रीप्रमांड भी कर सकते हैं, मतलब प्यार दे नाल तुसी किसी नूं कह सकते हो कि उन्हें ये चीज़ गलत कीती है। मतलब साइलेंट भी नहीं होना कि लड़ाई होएगी, पर अगर किसी तो तुसी कुछ कहना है तो पोलाइटली कहना। इस चीज़ दे नाल डे नूं सेलिब्रेट किया जाता, इस तरह की सेरेमनी है मनाई जाती है अपनी इन्हों के ओकेजनस के विच हुंदा। तो इतने जो अपना करेक्ट आंसर होएगा वो बी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है कन्फेशन बाय मॉन्क्स टू देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के ड्यूरिंग जो मॉन्क्स स्टे करते एक दूजे के नाल कि लड़ाई ना हो, तो इसलिए वह बहुत पोलाइटली कन्फेस कर दे कि हाँ ये गलती की है। ट्री प्रमाण का मतलब वही है कि किसी ने दसना कि तू एक गलती की है, किसी को कहना। कन्फेस बाय मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज, कि जो 3 महीने लिए इकट्ठे रहेंगे तो उस टाइम पोलाइटली अपनी गलतियां दसनिया, दूजे की गलतियां दसनिया। इस चीज़ के लिए इस फेस्टिवल में सेरेमनी में सैलीब्रेट किया जाता है। बी ऑप्शन है दे करेक्ट अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है वर्धमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका। तो करेक्ट आंसर है जो वर्धमान महावीर सी उन्होंने मदर का नाम सेगा त्रिशाला, त्रिशाला मदर का नाम सेगा वो लिच्छवी प्रिंसेस सी विशाली दी प्रिंसेस सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। सेकेंड है गौतम बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलिया डायनेस्टी। तो ये भी करेक्ट है। लॉर्ड बुद्धा दी जो मदर सी महामाया वो एक कोलिया डायनेस्टी, कोलिया भी एक रिपब्लिक ही सीगा जिदा वैशाली रिपब्लिक सीगा, वो दी प्रिंसेस सी। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है अपना ये दिता हो पार्शवनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस। तो पार्शवनाथ जो 23rd तीर्थंकर सी आउट ऑफ 24 वो बनारस में बिलोंग करते सी। तो ये करेक्ट आंसर है बनारस से भी बिलोंग करते इतने बर्थ होया सीगा। बनारस वाराणसी प्रेजेंट टाइम का जो वाराणसी है सेम प्लेस है। तो थर्ड ऑप्शन भी अपने ये करेक्ट है। पाना क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, तिना के करेक्ट है। तो डी ऑप्शन सही आंसर है, 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट्स अपनी ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो एंशियंट जैनिज्म रेफर करते हुए इतने अपन स्टेटमेंट देते हैं, अपने तो दसना है कि करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट केड़ी है। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट है अपने क्वेश्चन के विच जैनिज्म वॉज स्प्रैड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहू। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ इंडिया दे विच जो भद्रबाहू ने साउथ इंडिया दे विच जैनिज्म नू स्प्रेड किया सीगा। जो स्थूल भद्र सीगे उन्हां वो नॉर्थ इंडिया दे विच रुके सी, दोनों ब्रदर सीगे, और भद्रबाहू चंद्रगुप्त मौर्य दे नाल साउथ दे विच की गए सीगे, उत्थे जाके जैनिज्म नू स्प्रेड किया सीगा। बी स्टेटमेंट है द जेन्स हू रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहू वर कॉल्ड श्वेतांबर्स आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र। तो ये वाली स्टेटमेंट भी अपनी इनकरेक्ट है क्योंकि भद्रबाहू जो है वो दिगंबर कहा जाता है, भद्रबाहू नूं श्वेतांबर नहीं दिगंबर कहा जाने लग गया सीगा, और जो स्थूल भद्र सीगे उन्होंने श्वेतांबर कहा जाने लग गया क्योंकि जो नॉर्थ दे विच अंडर लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहू जो रोक गए सीगे उन्होंने वाइट क्लोथ्स पाने शुरू करते सीगे, तो उन्होंने श्वेतांबर कहना शुरू कर दिता गया सी।
और जो भद्र भाऊ दी लीडरशिप दे अंडर साउथ दे विच गए सीगे, तो उन्होंने इस प्रैक्टिस नूं फॉलो की नहीं किया सी, वो कंप्लीटली नेक्ड वाली पोजीशन दे विच ही सीगे, तो उन्होंने दिगंबर क्या जान लग गया। तो अपनी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, जैनिज्म एंजॉय द पैटर्नेज ऑफ द कलिंगा किंग खारवेल इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो कलिंग द किंग सीगे खारवेल, वो पैटर्नेज मतलब सपोर्ट करना, वो जैनिज्म नू सपोर्ट करते सीगे, जैनिज्म नू बहुत सारिया लैंड्स भी दित्तियां सी, जो मॉन्क्स नू बहुत सारिया केव्स भी दित्तियां सी उन्हां दे शेल्टर दे लिए। तो अपनी सी स्टेटमेंट दे विच करेक्ट हो जाएगी। डी स्टेटमेंट भी एक बार डिस्कस कर लेने कि इन द इनिशियल स्टेजेज ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जैनिज्म दे विच कदे भी इमेज वर्शिप नहीं की गई है। तो अपने इतने करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी सी कि सी ऑप्शन दे विच करेक्ट है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है अपनी, द इशवाकू रूलर्स ऑफ साउदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्ट टूवर्ड्स बुद्धिज्म। तो इशवाकू रूलर सी के साउथ इंडिया दे वाल, साउथ इंडिया दे विच भी ज़्यादातर आंध्र प्रदेश वाला एरिया ना आप कह सकते हैं जिथे इन्हों का डायनेस्टी सी रूल करते सीगे। क्वेश्चन है अपना कि इशवाकू जो डायनेस्टी सी रूलर सी वो एंटागोनिस्ट सी टूवर्ड्स बुद्धिज्म। एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट जाना, किसी नू अपोजिशन च जाना। तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इशवाकू रूलर सीगे वो वैदिक रिचुअल नू फॉलो करते सीगे, और जो बुद्धिज्म है उदे विच वैदिक रिलीजन दा अपोजिशन किया जाता है, मतलब वैदिक रिलीजन नू नहीं फॉलो करते सी और इशवाकू वैदिक रिलीजन नू फॉलो करते सी, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूजे नू कदे अपोज नहीं किया सीगा। मतलब इशवाकूज ने कदे भी बुद्धिज्म का अपोजिशन नहीं किया सीगा, बल्कि हालांकि वो वैदिक कल्चर नू फॉलो कर रहे थे और बुद्धिस्ट कदे भी वैदिक कल्चर नू फॉलो नहीं करते सी, फिर भी इन्होंने अपोजिशन नहीं किया सी। आंध्र प्रदेश के अंदर इशवाकू रूलर के अंदर वैदिक कल्चर का भी ग्रोथ हो रहा है और बुद्धिज्म का भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि इशवाकू के रूलर अपना अलग फॉलो कर रहे थे लेकिन बुद्धिज्म के भी अगेंस्ट या अपोजिट नहीं सके। तो इतने अपन देते हैं कि अपोजिट से बुद्धिज्म के, पर अपोजिट नहीं सके बुद्धिज्म के। फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है, पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। पैट्रॉन्स का भी मतलब सपोर्ट दा ही है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पाला रूलर अगर आप डायनेस्टी चो गए तो लास्ट रूलर सी, लास्ट डायनेस्टी सी जो बुद्धिज्म नू सपोर्ट कर रही थी। इस तो बाद गुप्ता पीरियड आया सीगा, गुप्ता से विच हिंदुइज्म ज़्यादा ग्रो होने लग गया से, उन्होंने बुद्धिस्ट नू बुद्धिज्म नू इन्ना सपोर्ट नहीं दिता सी। सेकेंड स्टेटमेंट अपनी ये विच करेक्ट है। हुण अपने ऑप्शन देखिए तो बी अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट ही दसना सी, सिर्फ ओनली सेकेंड अपनी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 142nd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद इज अ कोर थेरेपी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अनेकावांत भी एक फिलोसफी है, जो अपनी फिलोसफिकल स्कूल है उन्होंने ये एक थ्योरी है, फिलोसफी है। इतने क्वेश्चन है कि केड़े रिलीजन या केड़ी रिलीजन की यह एक फिलोसफी है अनेकावांत। अनेकावंत के अंदर की होंगे कि जो रियलिटी है या ट्रुथ है वो बहुत कॉम्प्लैक्स है और ये बहुत सारे आस्पैक्ट है। अनेकावंत मतलब अनेक आस्पैक्ट है, इदा है कि जो अपनी रियलिटी है ट्रुथ है वो बहुत ही कॉम्प्लैक्स है और ये बहुत सारे बहुत ही मल्टीपल आस्पैक्ट है, बहुत सारिया साइड्स है। तो ये जो थ्योरी है अपनी, ये वाली जैनिज्म की थ्योरी है। शून्यवाद भी जैनिज्म की थ्योरी है, अनेकावाद भी जैनिज्म की ही थ्योरी है। बी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल मूव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। तो महामस्तिका अभिषेक की अगर आप वैसे गल करिए, अगर रिलीजन का यह क्वेश्चन आता, रिलीजन का क्वेश्चन नहीं है वैसे यह, तो यह जैन दे नाल एसोसिएटेड है। जैनिज्म दे विच यह फेस्टिवल है, फेस्टिवल महा जो महामस्तकाभिषेक है उन प्रेजेंट भी कर्नाटका दे विच सेलिब्रेट किया जाता है, जैन फेस्टिवल है। ये दे विच की हुंदा, हर 12 साल के बाद ये फेस्टिवल हुंदा है कर्नाटका दे विच, 12 साल के बाद फेस्टिवल हुंदा है। और 12 साल के बाद जो बाहुबली दी स्टैचू है, बाहुबली अगर तुसी मूवी भी देखिए तो उहदे विच एक स्टैचू बहुत वड्डा शो किया होया, तो वो स्टैचू है जो हर 12 साल बाद उस स्टैचू का अभिषेक किया जाता है, फेस्टिवल है एक जैन फेस्टिवल है वाला। तो ये ऑप्शन दे विच अपना करेक्ट हो जाएगा, बाहुबली का स्टैचू है कर्नाटका दे विच, 12 साल के बाद 12 साल के गैप दे नाल फेस्टिवल मनाया जाता है, जैन फेस्टिवल है। अगर रिलीजन का क्वेश्चन आता तो जैन फेस्टिवल है जिदे विच बाहुबली का जो स्टेटस है स्टैचू है सॉरी नॉट स्टेटस स्टैचू है जो उन्होंने 12 साल बाद अभिषेक किया जाता है, तो इसे फेस्टिवल में महामस्तिका अभिषेक किया जाता है। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया। तो बुद्धिज्म का रीजन की है जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई सी। फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धा वॉज बाय दैट टाइम कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड थस बिकम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म द पार्ट हो गई सी के। तो ये स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट एक ब्रांच है, जो ब्रांच है इन्हों की महायान, हिनायान, महायान, जो बुद्धिस्ट ब्रांचेज है उन्होंने जो महायान है, बुद्धिस्ट ब्रांच है महायान, वो वाले बिलीव करने लगे थे कि लॉर्ड बुद्धा भी जो है एक गॉड का ही रूप है। तो उन्होंने एज अ लॉर्ड विष्णु का ही एक दूसरा रूप समझा जाने लग गया सी। तो इस करके जो है बुद्धिस्ट रिलीजन जो विष्णु के फॉलोअर से उन्होंने मिक्स हो गया। तो यदि वजह ना भी बुद्धिस्ट का जो एक्चुअल जो उन्होंने फिलोसफी सी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई सी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, हाफ स्टेटमेंट करेक्ट है, हाफ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बिकॉज जो सेंट्रल एशिया तो ट्राइब्स आई सी, इनवेडर आई सी, उन्होंने हंस, मंगोल्स एंड परशियन, ये सारिया ट्राइब सेंट्रल एशिया के तो आईया सीगिया, गुप्ता पीरियड के एंड द ड्यूरिंग आईया सीगिया। तो ये जदों इंडिया के विच आए तो अपने नाल एक न्यू रिलीजन इस्लाम रिलीजन लेके आए सीगे। तो उहदे नाल की होया, लोग इस्लाम रिलीजन में भी फॉलो करन लग गए। तो इन्होंने इन्हों का अलग रिलीजन सीगे, अपने अलग रिलीजन फॉलो करते सी कि, लेकिन इन्होंने बुद्धिस्ट के उपर परसीक्यूट नहीं किया सीगा। परसीक्यूट करना मतलब अत्याचार करना। तो स्टेटमेंट इनकरैक्ट है। इन्हों का जो अपने सेंट्रल एशिया तो आए थे मंगोल्स एंड परशियंस, इन्हों का अपना रिलीजन सेगा इस्लाम, यो रिलीजन लैके इंडिया के आए थे, फिर लोग उस रिलीजन भी फॉलो कर लग गए। लेकिन इन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन के उपर कोई अत्याचार या परसीक्यूट परसीक्यूशन नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया। तो इसलिए हाफ स्टेटमेंट, अगर इतनी स्टेटमेंट यही दी होंगी कि इनवेडिंग ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता पीरियड ब्रिंग अ न्यू रिलीजन विद दैम, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट होंगे कि एक न्यू रिलीजन आया सेगा, इसलिए बुद्धिस्ट रिलीजन जो थोड़ी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गई सी। लेकिन इतने दिता है कि परसीक्यूटिड बुद्धिस्ट, तो यह स्टेटमेंट इनकरैक्ट है, कि उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया, मारिया नहीं उन्होंने। थर्ड स्टेटमेंट है, द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज स्ट्रोंगली अपोज टू द बुद्धिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी अपने इनकरैक्ट है। जो गुप्ता किंग है, गुप्ता डायनेस्टी है, वो ज़्यादा हिंदुइज्म नू फॉलो करते सी। हिंदू जो ब्राह्मण वगैरह होंगे सी उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट करते सी, लेकिन बुद्धिज्म नू भी संवर्ट थोड़ा करते सी, लेकिन सपोर्ट करते सी। और इतने अपन स्टेटमेंट दी कि स्ट्रोंगली अपोज कर रहे सी, तो स्ट्रोंगली अपोज नहीं कर रहे सी वो, इन्हों का ज़्यादा सपोर्ट या ज़्यादा झुकाव आप कही तो हिंदुइज्म के वल सी, बुद्धिज्म के वल ज़्यादा झुकाव नहीं सी, लेकिन अपोज के भी नहीं सी, उन्होंने बिल्कुल अपोज भी नहीं कर रहे थे। तो आप दसने कि इन्हों के करैक्ट कही है, तो सिर्फ फर्स्ट अपनी करैक्ट है, तो ए ऑप्शन ये अपना करैक्ट हो जाएगा। बाकी सेकेंड एंड थर्ड इनकरैक्ट है अपनी। सेंट्रल एशिया तो जो ट्राइब्स आई हैं सी अपने ना न्यू रिलीजन लैके आई हैं, तो एक नवा रिलीजन आया, लोग उन्होंने फॉलो कर लग गए। और गुप्ता डायनेस्टी ज़्यादा सपोर्ट हिंदुइज्म करते, बुद्धिज्म इन्ना फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वह अपोज भी नहीं कर रहे थे, कोई स्ट्रोंगली अपोज भी नहीं कर रहे थे, वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, अपोज भी नहीं कर रहे थे। ए ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये वाला जो अपना 146 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धस इमेज इज समटाइम शोन विद द हैंड गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा इज सिंबलाइज। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की एक इमेज है, लॉर्ड बुद्धा दे आइडल है एक, उदे विच की है एक इन्हों का हाथ थोड़ा ओपन हुआ और एक हाथ थले नू ग्राउंड नू टच कर रहा है। तो इतने पूछ रहा है कि अपन नू क्वेश्चन है कि यह के जो मुद्रा है, ये जो पोजिशन है, किनू सिंबलाइज कर दी, किनू रिजेंबल कर दी, किनू इंडिकेट कर दी है। तो ये अपन नू ऑप्शन दिता है, स्टेटमेंट है, बुद्धस कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिम हिज मेडिटेशन। तो ये जो पोजिशन है ना, ये जो बुद्धा ने लॉर्ड बुद्ध ने जो बौद्ध गया इनलाइटमेंट ली सी, जो मेडिटेशन की सी, तो उदों की पोजिशन है, वह अर्थ न कह रहे होंगे कि मेरी मेडिटेशन विटनेस करो। और जो मारा, मारा इतने जो वर्ड मैनशन किया है, मारा इस मारा तो मतलब है जो रीबर्थ डिजायर, जो मोह माया होंगी है ना, उन्होंने कह गया मारा, कि मारा मेरा मेडिटेशन डिस्टर्ब कर रही है, इनू हटाओ, अर्थ न कह रहा है, अर्थ में स्पर्श करके। तो इस स्टेप करेक्ट है, इनलाइटमेंट की पोजिशन सी इन्हों की। बी दिती है, बुद्ध कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। मारा उही अपने जो डिजायर और रीबर्थ मोह माया जिन्होंने आप कहने,
तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि बुद्ध जो है अपनी प्योरिटी नू, अपनी मोडेस्टिटी नू, प्योरिटी शुद्धता नू विटनेस करने नू कह रहे हैं जो एनलाइटमेंट ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मारा मैनू बहुत ज़्यादा टेम्पटेटिंग कर रही है, मतलब मैनू डिजायर अपनी मुंह बाय दे विच खिंच रही है, लेकिन मैं फिर भी मेडिटेट कर रहे हैं। तो ये बी स्टेटमेंट भी ये अपनी करेक्ट है। सी है बुद्ध रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर दैट दे ऑल राइज फ्रॉम अर्थ एंड फाइनली डिजॉल्व इन टू द अर्थ एंड थस द लाइफ ऑफ ट्रांजिटरी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इहदे नाल अर्थ नाल इदां दा कोई एसोसीएशन नहीं है कि तुसीं अर्थ तो पैदा हो या अर्थ दे विच ही मिल जाओगे, इदां दा कुछ नहीं सीगा। इन्हां दी इनलाइटमेंट दी पोजिशन सीगी जदों उह अर्थ नूं कह रहे हुंदे कि मैं मैडिटेट कर रहा, इहनूं विटनेस करो, मारा मैनू बहुत डिस्टर्ब कर रही, मैं फिर भी मैडिटेट कर रहा। मारा इत्थे जो वर्ड मैनशन कीता है रीबर्थ डिजायर दी नू मेंशन किया है। तो ये विच अपनी ए और बी बोथ करेक्ट है, तो डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट इन द कंटेक्सट। तो उस कंटेक्सट के विच जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वह उन्हों की मेडिटेशन की पोजिशन के नाल एसोसिएटेड है। तो अपनी बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर किसी ने किसी क्वेश्चन के विच डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।